सलाखों के पीछे का खूनी खेल, जेल ना भेजो साहब वहाँ मौत है। जनपद बहराइच के जेल के अंदर का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक आए दिन मौतें हो रही हैं। जेल प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जेल प्रशासन की जवान पर ताला जड़ा है। उसके कैदियों की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही कैदियों का दुख दर्द उसे सुनाई पड़ रहा है। क्या हो गया है योगी राज में आला अधिकारियों को? अभी हाल में ही 3 मौतें हुई हैं, उसके बाद यह चौथी एक पुरुष कैदी की मौत पेट दर्द का बहाना बताकर हुई। वहीं एक महिला कैदी की मौत भी और एक बेचाराधीन मामले में बंद थी, उसके प्रशासन ने सांस फूलने की बीमारी बताकर टाल दिया गया। लेकिन इस बार क्या कहना है जेल प्रशासन का, या एक और कोई नई कहानी? आखिर कौन है इन मौतों का जिम्मेदार और कौन देगा जवाब? कैसे फिर इनकी मौत? आप लोग को कैसी सूचना मिली? हम कल हमारे बड़े भाई और हम दोनों लोग साथ खराब है, उसके करीब 8 घंटे। आपने लास्ट को देखा? हाँ देखा। उसमें कुछ आपको कैसे लगा? चेहरे पे भी निशान है, जैसे मार के और गर्दन भी काली है एकदम। तो आपको क्या लग रहा है कि मारा पीटा गया उनको जेल में? क्या नाम है आपका? शाहिद अली। ये जो जेल में एक कैदी की मौत हुई है वो कौन है आपके? वो हमारे साले हैं। साले हैं, क्या नाम है उनका? यूसुफ। कैसे मौत हुई उनकी? उनकी कोई तबीयत वबीयत खराब थी? नहीं। अभी जल्दी कब मुलाकात हुई? अभी 2 महीने पहले मैं मुलाकात के लिए आया, कोई तबीयत नहीं खराब, कुछ नहीं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास थे। आज तक कोई बीमारी ही नहीं उनको आई, ठीक है। और जब रात मेरे पास 6:30 बजे करीब कॉल हुई कि तबीयत उनकी ख़राब है और आप देख जाएं, मैंने कहा ठीक है, अभी समय रात है, सुबह हम लोग आएंगे। और आधे घंटे के बाद मेरे पास कॉल पहुंच गई कि उनकी डेथ हो गई जेल के अंदर। तो मैंने कहा ठीक है, देखा जाएगा, सुबह आएंगे, अभी समय रात में कुछ नहीं। उनकी जो मौत हुई है उनके कुछ कोई दाग वगैरह कुछ है? उनके गर्दन में पूरी पट्टी काली है जिससे फांसी का फंदा लगाया। अच्छा अच्छा। चेहरे पर निशान है, उसे खून आ रहा है। क्या आपको क्या शंका कि मारा गया है? पूरी साजिश रची हुई है प्रशासन, जेल प्रशासन की। अच्छा, मारा गया।